हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टू क्लास। स्टूडेंट, हमने लास्ट टॉपिक किया था रेफरेंस एडजस्टमेंट का। मैं उसी को ही थोड़ा सा इलेबोरेट करके आगे आपको बता रही हूँ। रेफरेंस एडजस्टमेंट में अभी हमने परचेज और सेल की एंट्री पास की थी, उसमें हमने अभी सिंगल रेफरेंसेस डाले हैं, तो इसको मल्टी रेफरेंसेस के बेस पे करना हो तो कैसे करेंगे? सी, उन्हीं जर्नल एंट्रीज पे अभी हम आ जाते हैं। कंपनी वही वाली ओपन कर लेते हैं। सिलेक्ट कंपनी, मल्टीलेजर्स। अब यहाँ पे एक जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स की कोई, फर्नीचर 50,000। कंपाउंड एंट्री का मतलब अगर आपका मोर देन वन टाइम डेबिट या क्रेडिट आ रहा हो, तो इसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ डी डेबिट, और यहाँ से ले लिया मशीनरी। दो चीजें एक ही पर्सन से ले लेते हैं। और क्रेडिटर, डू वी हैव क्रेडिटर? यस, 1 लाख। एंड न्यू रेफरेंस नंबर, इट्स सपोज KP05, 1 लाख का। एंड सेव। न्यू जनरेशन बींग फर्नीचर एंड मशीनरी परचेस्ड फ्रॉम पार्टी किरण ऑन क्रेडिट, सेव। ओके, अब इसी पार्टी से रिपीटेडली एक और परचेज कर लेते हैं। हमने गुड्स परचेज की हैं, परचेज इसको भी मैं इन्वेंटरी डिटेल नहीं डाल रहे, जब नीड होगी तो हम बाद में डालेंगे। एंड 30,000। एंड इधर से इसी पार्टी से दोबारा ले लेते हैं न्यू रेफरेंस। तो के P, इट्स 10। ओके, और अब एक कंपाउंड एंट्री का ना पार्ट आपको और बताती हूँ। अगर आपने गुड्स परचेज करी हैं लेकिन दो अलग अलग पार्टी से करी हैं और सेम डेट में, फिर आप क्या करेंगे? तो सपोज आप टोटल परचेज कितने की है, 60,000 की, और इसका इधर से 30, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास टैली स्पेस छोड़ देगा, तो हम एक दूसरा क्रेडिटर यहाँ पे उठा सकते हैं। सपोज मैं सर ABC में चेक करूँ क्या है, क्रेडिटर ही है। एक बार नेम इसका आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हमें पता लग जाए क्रेडिटर। तो इसका भी यहाँ से न्यू रेफरेंस डाल लेते हैं ABC। तो ये देखिए, ये जो एंट्रीज हैं ये कल से डिफरेंट हैं।
हमने जिससे परचेज करी है, ठीक है, अब गुड्स हमने परचेज करी है इकट्ठी 60,000 की, और अलग अलग ले रहे हैं, ठीक है, अलग अलग पार्टी से ले रहे हैं, तो हम इसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, जिसमें आप मोर देन वन टाइम डेबिट या क्रेडिट आप लेके चलते हैं। तो या तो आप इससे पहले वाली कंपाउंड एंट्री कैसे करी थी हमने, कि जिसमें क्या था, जो चीज हमने ली है जैसे फर्नीचर और मशीनरी, उनको इकट्ठा डेबिट कर दिया, और एक पार्टी जिससे लिया है उसको क्रेडिट कर दिया। अब इसमें क्या है, परचेज हमने सिंगल लिया है, लेकिन जिनसे लिया है उन दोनों को अलग अलग क्रेडिट कर दिया। तो कंपाउंड एंट्री कैन बी जिसमें मोर देन वन टाइम डेबिट या मोर देन वन टाइम क्रेडिट आ रहा हो। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, दोनों पार्टीज के नाम ले लेते हैं, एंड मेसर्स एक्स वाई जेड, इट्स मेसर्स ए बी सी ऑन क्रेडिट एंड सेव। ठीक है, तो दो हमने कर ली इसमें एंट्रीज। अब बात आती है इनकी पेमेंट की। अब हमने तीन क्रेडिटर्स नहीं, दो क्रेडिटर्स से पेमेंट करनी है, तो F5 करेंगे। अब एक K प्रेस किया, एंटर। अब इस पार्टी का कितना पेमेंट करना है, 1,55,000। तो जितना आपने पेमेंट करना है आप उतना अमाउंट लिख दो। अगर इसका पेंडिंग बैलेंस 1,55,000 खड़ा है, तो इट डजेंट मीन कि यू आर पेइंग द फुल अमाउंट। व्हाट विल यू डू इज कि आप उसका राउंड फिगर में भी पेमेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, इस चीज को हमने अभी कल पेंडिंग में रखा था, क्योंकि जो बिल वाइज एडजस्टमेंट होती है, बिल वाइज जो पेमेंट्स होती है, उसमें काफी सारे सेगमेंट्स आते हैं, तो उसको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। मैं काफी फास्ट फॉरवर्ड में आपके टॉपिक खत्म नहीं करवाऊंगी, चीजों को थोड़ा सा प्रिसाइजली लेके चलेंगे। अब इसका राउंड फिगर में पेमेंट करते हैं, सपोज 50,000। 50,000 जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास टैली ऑटोमेटिक जंप कहाँ करता है, अगेंस्ट रेफरेंस पे। प्रेस एंटर, यू कैन सी एक हमारे पास 1 लाख का बिल है, एक हमारे पास 30,000 का बिल है, तो बने कितने, 130। और जो पीछे कितना दिखा रहा था, 155, यानी कि जो उससे प्रीवियस बैलेंस है वो पेंडिंग है, वो अभी हमने पे करना है, लेकिन उसका कोई बिल नहीं है, या तो वो ओपनिंग बैलेंस में होगा। ठीक है, अब 50 के लिए हम क्या करें, वो इस बिल की पेमेंट कर रहे हैं, कि जो हमने इसमें से लिया 1 लाख, इसमें से 50 पे कर दिया। क्रेडिट में कैश या बैंक, बैंक मेरा नेगेटिव जा रहा है, इसका मैं एक ओपनिंग बैलेंस फिट कर लेती हूँ। अब देखिए जो बैंक का भी आप लेजर बनाते हैं ना, ये भी ध्यान से बनाना होता है, इसके ऊपर भी आएंगे बाद में, जब मैं आपको कॉन्ट्रा एंट्रीज को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, तब हम लोग बैंक के लेजर को भी काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, कि बैंक को बैंक अकाउंट के अंदर बनाना है, उसकी सारी डिटेल डालनी है, ब्रांच फीड करनी है, ओके, और इधर से इन सब के IFSC कोड, अकाउंट नंबर, दिस ऑल थिंग्स यू कैन मेंशन, तो इसको करेंगे लेटर ऑन। अभी इसका पार्ट नहीं है, सिर्फ मैंने इसका इतना कंसर्न रखा था कि बैंक के लेजर में आप खाली ओपनिंग बैलेंस को फीड कर सके। ठीक है, 39%। और इधर से 50,000 की पेमेंट की, और इधर से चेक, यहाँ पे चेक नंबर 6 डिजिट का, और यहाँ पे सेव, नीचे नरेशन लिखेंगे, बीइंग पेमेंट मेड टू पार्टी अगेंस्ट द रेफरेंस नंबर, जिस बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हो वही वाला डालेंगे। अब बिल कौन सा था, इट्स KP05, मेंशन करेंगे, ओके। अब बात आती है इसके रेस्ट ऑफ द बैलेंसेस की, फिर से डेबिट करेंगे पार्टी। अब देखो इसका बैलेंस डिक्रीज हो गया पहले से, कितना है, 1,05,000। अगेन आई एम मेकिंग द पेमेंट ऑफ 50,000, एंड यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस इधर भी 50,000, एंड क्रेडिट करेंगे बैंक, और इधर से चेक नंबर एंड नीचे नरेशन। अब देखो मुझे वही वाली नरेशन दोबारा यहाँ पे लानी है, ये पॉइंट बड़े ध्यान से देखना है आपने। अगर मुझे पिछले वाउचर की नरेशन
कॉपी करके यहाँ पे लानी है, तो व्हाट विल यू डू इज, यानी कि रिसेंट जो इससे प्रीवियस वाउचर है, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो आपकी पिछले वाउचर की नरेशन यहाँ पे कॉपी हो जाती है। तो जब आपको ऐसा लगे कि दोनों वाउचर्स का हम सेम नरेशन लिख रहे हैं क्योंकि अभी पेमेंट्स चल रही हैं, तो आप कंट्रोल आर करके उसमें जो स्लाइटली मॉडिफिकेशंस रहती हैं यू कैन डू। जैसे वही है, अब इसमें तो कुछ चेंज करना ही नहीं क्योंकि हम तो KP05 की ही पेमेंट कर रहे हैं। फिर से सेव करेंगे एंड सेव, ठीक है। और अभी पेमेंट्स हो गई, अब क्या करते हैं, चेक कहाँ पे करना है। दो तरह से, जिसमें सारी एंट्रीज आती हैं वो तो एक तो डे बुक है, डिस्प्ले एंड डे बुक, ठीक है, Alt F1, और ये सारी किरण की एंट्री आ गई और किरण की एंट्री आ गई। विद नरेशन देखनी है तो F12 एंड शो नरेशंस का फीचर यस करेंगे और सेव कर देंगे, विद नरेशन आपकी एंट्री आ जाएंगी। अब दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, पार्टी का लेजर चेक करना, डिस्प्ले अकाउंट बुक एंड लेजर। यहाँ पे किरण का लेजर मैंने ओपन किया और देखो अब इससे परचेज कितने की थी, 1,80,000 की। पेमेंट कितनी कर रहे हैं, 1,25,000 की। ये सारे परचेज के अमाउंट है 50, 1,30,000। ये पेमेंट्स के अमाउंट है 25, 50, 50, और बैलेंस कितना बच गया, 55। यानी कि जो किरण का बैलेंस है वो हमने कितना पे करना है, अभी 55,000 हमने अभी इसको पे करना है, ये इसका पेंडिंग अमाउंट है, ठीक है। अब इसकी पे पेमेंट करें, चलिए अब उसके लिए आप क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर पे जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स F5, और पार्टी को डेबिट करते हैं 55,000। अगेंस्ट रेफरेंस में तो एक बिल उठा लेगा 30 का, और बाकी हम ओन अकाउंट में कर देंगे क्योंकि उसका बैलेंस, उसका हमारे पास बिल नहीं था, और इसको सेव कर देंगे नीचे नरेशन डाल के, ठीक है स्टूडेंट। ये थी परचेज और पेमेंट्स की, और अभी आप इसको फिर से रीजॉइन करें क्लास, ठीक है। मैंने परचेज और पेमेंट्स आपको बता दी हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ सेल और रिसीविंग विद मल्टीपल रेफरेंसेस। तो जो हमारा आज का टॉपिक भी था वो क्या है, आपकी रेफरेंस, मल्टीपल रेफरेंस एडजस्टमेंट्स। कल हमने बिल वाइज रेफरेंस एडजस्टमेंट किया था, आज हम मल्टीपल मल्टी रेफरेंस एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। जस्ट रीजॉइन द क्लास अगेन, ओके। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ आपको।